हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. हमारे पेडागोजी के जो अभी तक का सिलेबस चल रहा है उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पढ़ रहे थे. तो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शन मटेरियल पे मैंने एक जो सब टॉपिक्स है उसके अंदर वो कवर कर लिए आपके लिए. जो रह गए हैं वो आने वाली वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे जल्दी से. तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, वो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर चल रहा था. श्रव्य और दृश्य सामग्री क्या होती है, ठीक है. तो पहली वाली वीडियो में हमने सारे ऑडियो के बारे में बात किया था, जिसमें टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और ये सब थे. और उसके बाद मैंने एक आपके लिए विजुअल एड्स जो होते हैं हमारे, जो दृश्य सामग्री होती है आपकी, उसके बारे में बात की थी. ये सारी हमारी इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये टीचर को क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं. और एजुकेशनल के पर्पस से इसको इसलिए रखा जाता है ताकि टीचिंग लर्निंग जो एक प्रोसेस है वो बोरिंग ना हो के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बन सके, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, जो ये हमारे इंस्ट्रक्शन लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ हमारे एजुकेशन में किया जाता है. अब बात करते हैं, उसके बाद जो हमारे ऑडियो डिस्कस हो गए, विजुअल डिस्कस हो गए, अब बात करते हैं ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ, ठीक है. कुछ ऐसे भी उपकरण होंगे, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे, एड्स होंगे हमारे पास, जिसके अंदर ये दोनों फैसिलिटीज़ होंगी, जो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है. रेडियो क्या था, फ़ोन क्या था, उनको सिर्फ हम सुन सकते थे. और विजुअल में जैसे मॉडल, चार्ट और मैप्स और ये सारी चीज़ आ गई, ब्लैक बोर्ड, उनका यूज़ किस लिए था, सिर्फ हम देख सकते थे, ठीक है. तो आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑडियो विजुअल एड्स, जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है. आप घर में सब टीवी देखते होंगे, तो टीवी एक ऐसा उपकरण है जो ऑडियो विजुअल एड है, क्योंकि आप उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं. आप उसमें फिल्म देखते हैं और सीरियल्स देखते हैं और डेली के जो न्यूज़ आती है वो देखते हैं. उसमें कुछ भी हो आप देखते भी हैं, सामने बंदा क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसके एक्सप्रेशन होते हैं, क्या चीज़ वो बता रहा है, कैसे वो एक्टिंग कर रहा है, और क्या है, उसकी कही हुई बात को सुनते भी हैं, ठीक है. वो होते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें मैंने यहाँ पे थ्री टाइप्स के लिखे हैं. फर्स्ट है हमारा VCR. जब पहले TV नहीं हुआ करते थे तो वहाँ उस टाइम पे क्या था, सबसे ज़्यादा VCR प्रयोग किया जाता था. क्यों, उसमें एक बॉक्स होता है छोटा सा, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग और इस तरह से हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, मूवी की भी. और पर्दे पे अगर फ्लैश करेंगे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको मूवीज़ दिखाई देती थी, ठीक है. तो सुनाई भी देता था और दिखाई भी देता था. और VCR में आप कैसेट भी लगा सकते हो, कैसेट लगा के उसमें जो मूवी है वो चलती रहती है वो देख सकते हो, ठीक है. तो VCR, देन TV, देन कंप्यूटर, ठीक है. ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री. TV आप सभी को पता है, सब अपने घर में यूज़ करते हैं. जिनके पास कंप्यूटर है उनको भी पता है कि कंप्यूटर्स ऑडियो विजुअल दोनों हैं. आप उसमें देख भी सकते हो और हेडफोन या फिर उसमें स्पीकर होता है तो उसके द्वारा आप उसको सुन भी सकते हो. उस पर जो प्ले करोगे नेट में, या आप कभी ऐसे करते हो कि आपने कोई कमांड टाइप करी है या कुछ, तो जो आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं या आपको उसमें कोई एरर्स आ जाता है तो एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या है, वो भी आपका जो है ऑडियो सुनाई देती है. तो हो गया वो भी आपका बोथ ऑडियो और विजुअल, ठीक है. तो अब इसको डीपली डिस्कस कर लेते हैं, इनके यूजेस और बेनिफिट्स, एडवांटेज, और कैसे एजुकेशन में हेल्प करता है बाकी चीज़ें. पहला आता है VCR. जो आपका VCR है वो क्या है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर तथा वीडियो कैसेट प्लेयर का प्रयोग शैक्षिक तथा मनोरंजनात्मक होता है, ठीक है. मतलब जो VCR है उसको बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मूवीज़ देखना, सीरियल्स देखना, इसके लिए. इन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं के रूप में प्रयोग किया जाता है. दोनों हैं ऑडियो और विजुअल. इनका प्रयोग सूचनाएं प्रदान करने के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है. मतलब एजुकेशनल में क्यों किया जाता है, जो भी हमारे प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और सूचनाएं प्रदान करने के क्षेत्र में. मतलब आप इससे कोई ना कोई सूचना ही तो दोगे बच्चों को, अगर आप VCR का प्रयोग कर रहे हो, कंप्यूटर्स का प्रयोग कर रहे हो, TV का प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे,
कि बच्चों को कोई ना कोई आप इन्फॉर्मेशन दोगे उसके थ्रू, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड देनी है, किसी जीके जनरल नॉलेज से रिलेटेड देने है, ये सारी क्या है जो आप उनको एजुकेशन के थ्रू, VCR के थ्रू क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो थ्रू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा न केवल पहले रिकॉर्ड की गई वीडियो को कैसेट के माध्यम से शिक्षार्थियों को सुनाया जा सकता है, आपूर्ति इसके द्वारा नेटवर्क पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को भी रिकॉर्ड करके सुनाया जा सकता है। मतलब पहले भी आप VCR का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एक्सपर्ट की बात अच्छी लग रही है, या आप कहीं पर गए हैं, आपको वहाँ का प्रोग्राम पसंद आ रहा है और आपको ये चीज़ फील हो रही है कि ये चीज़ बच्चों को सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, यूज़फुल है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप VCR के द्वारा कैसेट में पहले से कोई बात रिकॉर्ड करके बच्चों के सामने बाद में प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर लाइव कोई प्रोग्राम आ रहा है, कार्यक्रम आ रहा है, तो उसको भी आप क्या है रिकॉर्ड करके बच्चों को सुना सकते हैं, ठीक है। इसका संचालन करना बहुत आसान होता है, मतलब इसको आवश्यकता पड़ने पे इसका संचालन करना आसान है रखरखाव में और इसको प्रयोग करने के लिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक भाग्यशाली है, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग वे अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनाने में कर सकते हैं। जो हमारे सोशल साइंस के टीचर्स हैं उनके लिए बेसिक ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, जैसे VCR, ये ऑडियो विजुअल एड्स में मैंने मॉडल्स बताए थे, चार्ट बताए थे, ये सारी चीज़ें क्या हैं सबसे ज़्यादा हमारे SST टीचर के लिए यूज़ करी जाती है। तो उसको बहुत भाग्यशाली टीचर कहा जाता है क्योंकि उनको सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं जो वो उनकी अपनी एजुकेशन में यूज़ करते हुए अपनी टीचिंग को इतनी इफेक्टिव बना सकते हैं कि वो बच्चों के लिए बिहेवियर में चेंज हो या फिर उनके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। इसके बाद जो जैसे NCERT हो गई, SIET हो गई, IGNOU हो गई, इन्हीं के द्वारा क्या है महत्वपूर्ण वीडियो सामग्री तैयार की जाती है तथा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी NCERT है, IGNOU है, CBSE है, ये सारे बोर्ड्स क्या हैं, ये सारे एड्स को बनाते हैं और यूज़ करने के लिए आपको बोलते हैं कि आप इनको यूज़ करिए, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाइए, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो सामग्री के लाभ तथा उपयोगिता, मतलब VCR जो है उसके लाभ क्या है और इसके उपयोगिता क्या है, ठीक है, यूजेस और एडवांटेजेस। पहला है इसमें, इसकी सहायता से विषय सामग्री में विद्यार्थी की रुचि को जागृत किया जाता है। सीधी सी बात है, अब तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स, आपको पहला काम यही करना है कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना सको, इफेक्टिव बना सको, ताकि बच्चे पढ़ने में और ज़्यादा रुचि ले और उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो पहला काम हम ये जो एड्स यूज़ करते हैं इनका यही है पहला काम कि आपको टीचिंग क्या है इंटरेस्टिंग बनानी है, बच्चों की रुचि यानी कि इंटरेस्ट जागृत करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, विचार विमर्श को अभिप्रेरित करने में सहायक है, मतलब कन्वर्सेशन करने में, सोचने में, अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है VCR, क्योंकि इसको हम बच्चे क्या करते हैं जो चीज़ सुन रहे हैं उसको देख भी रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। कई बार ऐसे होता है जो चीज़ हम सुन रहे होते हैं, क्या पता हमने कुछ गलत सुन लिया हो तो ना समझ आया हो, लेकिन हम कई बार ऐसे भी करते हैं कि एक्सप्रेशन के थ्रू भी भाप लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बात कही गई होगी, ठीक है। अगर वो गुस्से में है तो वो ऐसे देखेगा गुस्से में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना बिना बोले कि वो गुस्से में है कि हैप्पी है। तो वही बात होती है कि यहाँ पे विचारों को समझना और उसकी सार्थकता को समझना और विचार विमर्श करना, एक अंडरस्टैंडिंग करना, कन्वर्सेशन करना को क्या है जागृत करती है। थर्ड पॉइंट आता है, यह अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि विभिन्न घटनाओं को देखने व सुनने के पश्चात विद्यार्थी इसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। अगर आप कोई VCR के थ्रू कोई भी पिक्चर दिखा रहे हो, कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाहुबली सभी ने देखी होगी, तो बाहुबली में क्या किया गया था, एक सस्पेंस लास्ट में क्रिएट कर दिया गया था कि फर्स्ट पार्ट में, तो सभी को क्या था सेकंड पार्ट को के लिए सब वेट कर रहे थे
कि सेकेंड पार्ट कब आएगा और उसमें क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन थी वो क्यों हुई, ये सारी चीज़ें. तो आप ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चों में उस टाइप की क्रियोसिटी जागृत कर सकते हैं ताकि बच्चे और जानने के लिए इच्छुक हो और पढ़ने के लिए इच्छुक हो कि ये ऐसे हुआ, कैसे होगा, आगे फिर कैसे होगा. ओके, ये वाली मूवी चल रही है या बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, तो वो अगर एक पार्ट को समझ रहे हैं फिर सोचेंगे ये वाला पार्ट किस लिए काम करता है मैम, ये वाला पार्ट किस लिए काम करता है. तो ये इस टाइप की क्रियोसिटी क्या है, अगर वो ऑडियो और विजुअल एड्स के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा उनके अंदर ये वाली चीज़ें क्रियोसिटी जागृत होती है और समझने के लिए वो या फिर किसी नई चीज़ की लर्निंग के लिए इच्छुक होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है वीडियो सामग्री की सहायता से प्रस्तुत किए गए पाठ परंपरागत पाठों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं. अब आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पे बुक लेकर खड़ी हो जाऊँ और केवल लाइन लाइन पढ़ के सुना दूँ, वीडियो ख़त्म कर दूँ, या आप भी एज अ टीचर अगर क्लासरूम के अंदर यही चीज़ करोगे तो एक दिन अच्छी लगेगी, दो दिन अच्छी लगेगी, तीसरे दिन बहुत बोरिंग हो जाएगी और बच्चे सोचेंगे क्या मैम आती हैं पढ़ती हैं चली जाती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है. ठीक है, आपने बेसिकली एक चीज़ नोट करी होगी कि जब आप भी छोटे होंगे या आपने कभी लर्निंग, हम सबसे ज़्यादा जो बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं वो हिंदी को मानते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सी कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, कहानी कथन और ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे और बड़ी क्लासेस के अंदर आप वो नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए जो हिंदी सब्जेक्ट है तो वो वाला ना सबको बोरिंग ही लगता है. आप उसकी टीचर की शक्ल भी देखोगे ना, कहोगे ओ शिट मैम आ गई, अब हिंदी पढ़ाएंगी, बोरिंग क्लास ये वो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस क्लास में ज़्यादातर ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग नहीं हो पाता है. इसीलिए बाकी सब्जेक्ट से, मैथ से, साइंस से, जहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, आपको सामने कुछ चार्ट दिखाया जाता है, कंपस वगैरह बड़े बड़े लाकर आपके बोर्ड पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, वो ज़्यादा चीज़ें क्या है बच्चों को इफ़ेक्टिव लगती हैं. तो इसीलिए उनको हिंदी की क्लास वही बोरिंग लगती है. तो इसीलिए कि परंपरागत पाठ के अनुसार ना पढ़ाकर आप न्यू तरीके से बच्चे को पढ़ाइए, कि केवल बुकिश लैंग्वेज बच्चों को नहीं देनी, पकड़ के बुक और पढ़ा दिया बात ख़त्म. आप ऐसे करिए, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप उसको और अच्छा बना सकते हो और फ़ायदेमंद बना सकते हो बच्चों के लिए और उसको लर्निंग कराने के लिए और कुशलता उसकी वो कर सकते हो इम्प्रूव. ठीक है, अच्छे प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि इन्हें अपने अपने क्षेत्र में निपुण और कुशल अध्यापकों के द्वारा निर्मित किया जाता है. मतलब अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स दे दिए जाएं तो ये क्या है, अलग अलग क्षेत्र में आपके प्रयोग किए जाते हैं. साइंस के एड्स अलग होंगे, मैथ्स के अलग होंगे और ऐसी सोशल स्टडीज़ के एड्स क्या होंगे, अलग होंगे. और वो प्रशिक्षित टीचर्स के द्वारा यानी ट्रेन टीचर के द्वारा, जिनको उनका एक्सपीरियंस है, जिनको वो यूज़ करने आते हैं, उनके द्वारा क्या है बेस्ट उनका यूज हो सकता है और बेस्ट लर्निंग करवाई जा सकती है. उसके बाद आता है आपका पॉइंट, पाठों को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती. अगर आप, मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक पॉइंट बताया था कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें लर्न नहीं होगी पढ़ने पर, हमें क्या करेगा कि उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा, तीन बार करना पड़ेगा. ज़रूरी नहीं कि वो तीन या चार बार पढ़ने पर भी आपको लर्न हो जाए, लेकिन हमें मूवीज़, टीवी सीरियल ये सारे जल्दी क्यों याद हो जाते हैं, इनफैक्ट हमें कलर तक याद रहता है, ड्रेस भी याद रहती है कि क्या है, हमने 10 साल पहले क्यों ना वो मूवी देखी हो, आपको सब कुछ उसके बातें डायलॉग सब लर्न रही होगी. क्यों? क्योंकि बच्चों की हियरिंग और जो विजुअल पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसी भी इंसान की, और उसके सामने जो घटनाएं घट रही हैं, उसके सामने जो चीज़ चल रही हैं रियलिटी में, फील हो रही हैं या सामने दर्शाई जा रही हैं, उनसे बच्चा जल्दी सीखता है. ठीक है, तो अगर आप पाठ पढ़ाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, लेकिन आप उसको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाओगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको जल्दी भी सीख जाएगा और उसको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो एक एक चीज़ अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लेगा कि जैसे जैसे आपने 1 by 1 पढ़ाया है, वो ऐसे भी नहीं कि बीच में ऊपर से आ रहा है, बीच का भूल गया, लास्ट में चला गया, वो बीच में उसको ये भी याद रहेगा कि बीच में कुछ स्किप हुआ है, कुछ भूला है, यहाँ पे हमने क्या बताया था. तो कई बार ऐसे होता है कि अगर बच्चा कंटेंट या उस टाइम की चीज़ें भी भूल जाता है ना,
तो वो रिमाइंड करने की कोशिश करता है, रिकॉल करने की, कि वहाँ पे मैम कैसे एक्सप्रेस कर रही थी, कैसी मैम की पोजीशन थी, मैम क्या बोल रही थी, अच्छा कोई उस टाइम पे क्लास में बात तो नहीं हुई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चा जब रिकॉल करता है तो उसको ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ छूट गई थी, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए पाठ को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अगर पढ़ाया जाए तो, क्योंकि वीडियो पार्ट विकसित होने के बाद इसके प्रयोग के लिए प्रतियां बनाई जा सकती है और मितव्यय भी बनाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अतीत को जीवन में लाने के लिए व वर्तमान में रुचि जागृत करने के लिए यह सामग्री अत्यधिक उपयोगी है। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो बच्चों को, अतीत के बारे में पढ़ा रहे हो, तो बुक्स से मत पढ़ाओ। अभी आप मूवीज़ देखते ही हैं सभी लोग, तो मूवीज़ में जोधा अकबर और अभी बाहुबली जैसे आई थी, ठीक है, वो तो शायद एक कल्पना पर आधारित थी, बाहुबली शायद कोई था नहीं, अगर होगा भी तो जैसे अभी आपकी जो रियलिटी और डेली लाइफ से जोधा अकबर हो गई और शाहिद कपूर और उसकी मूवी आई थी, याद नहीं आ रहा अभी रिसेंटली नाम, तो यार मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप मूवीज़ देखोगे, उनकी कहानी देखोगे, तो आपको वो जल्दी याद होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो किताबों में आप उसको पढ़ोगे तो आपको डेट्स वगैरह कुछ भी याद नहीं होगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अतीतों को जीवन में लाने के लिए, मतलब जो आपके पुराने अतीत हैं, हमारा इतिहास है, उसको पढ़ाने के लिए क्या है, बच्चों को मूवीज़ दिखाई जाएँ, हिस्टोरिकल मूवीज़ जो कहानी व्यक्त करती हो, जो घटनाएं बताती हों इन सभी की चीज़ों को, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके वर्तमान से कनेक्ट होकर बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के लिए कई बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको टीचर को फील हो रहा है कि एक टॉपिक क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है या कोई प्रॉब्लम रह गई है या कोई कमी रह गई है, तो एक टॉपिक को एक दो बार कैसेट्स को रिपीट करके क्या है, आप बार बार वीडियो प्लेयर के द्वारा पढ़ा सकते हो, ठीक है। वीडियो सामग्री अधिकम परिस्थितियों को वास्तविकता प्रदान करती है। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि आप इतिहास भी अगर पढ़ाओगे ना, तो बच्चे उसको ऐसे ही समझेंगे जैसे वो अभी उनके सामने घटनाएं घट रही हैं। महाभारत है तो महाभारत, रामायण, हम जब भी देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है ना कि ये सामने युद्ध चल रहा है, अच्छा अर्जुन ने ये बात कहा है, कृष्ण ने उसको ये सलाह दी है, भीष्म पितामह ने ये कहा है, तो वो सारी क्या है, हमें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई लगती हैं कि अभी ये घटनाएं घट रही हैं, ये कई हज़ार साल पुरानी बातें नहीं है, ये तो अभी की बातें हमारे सामने चल रही है, तो वो एक एक पिक्टोरिकल चीज़ें क्या हैं, बच्चे के दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वीडियो सामग्री के द्वारा परिस्थितियों को वास्तविकता प्रदान की जा सकती है, एक्चुअलिटी प्रदान की जा सकती है। एक्चुअल में तो वो चीज़ें होती नहीं है क्योंकि वो तो बीत गया है, आपका इतिहास है, लेकिन हम उसको जब वीडियो के द्वारा प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे उसको ऐसे समझते हैं कि ये घटनाएं अभी घट रही हैं, तो इसीलिए उसको जल्दी विजुअल कर लेते हैं और जल्दी लर्न करने में उनके लिए हेल्प करती है और विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाती है, ठीक है। इन्हें कक्षा कक्ष में नाट्यकरण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जो विद्यार्थियों को अपनी निष्पादित की आलोचना मूल्यांकन के अवसर भी प्रदान करती है, जिसके आधार पर वे स्वयं में सुधार कर सकते हैं। अब वीडियो और ऑडियो एड्स का आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन है, डांस कंपटीशन हो रहा है, तो बच्चे जब डांस प्रेजेंट करते हैं या सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग क्या करते हैं, तो आप टीवीज़ पे भी देखते हैं ना, रियलिटी शोज आ रहे हैं, DID आ रहा है और आपका वॉइस ऑफ इंडिया आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सिंगिंग करते हुए बंदों को लाइव देख सकते हो, जो यहाँ पे खड़ा होकर प्रेजेंट कर रहा है अगर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए तो बाद में जब वो खुद भी उसको देखेगा तो अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, या फिर ये सोचेगा मेरी यहाँ पर कमी थी या मैंने ये चीज़ ठीक नहीं करी,
जैसे अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा भी ये ऑडियो विजुअल एड्स ही है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको बाद में अपनी इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर सकती हूँ, कि मैं बाद में अपनी वीडियो देख सकती हूँ कि मैंने कहाँ पे गलत पॉइंट बोल दिया, कहाँ पे मैं थोड़ा हेजिटेशन फील कर रही थी, या फिर कहाँ पे मुझे और अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। ठीक है, ये चीज़ें इस बार तो हो गई, तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या है, मैं ध्यान रखूँगी ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स है वो इसमें भी हमारे लिए यूज़फुल है, कि बच्चे खुद के लिए इवैल्यूएशन कर सकते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके, और अपने उसमें क्या है सुधार भी ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विद्यार्थियों के संप्रत्यो विश्वासों आदर्शों को अभी प्रेरित व पुनर्वलित करते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, अगर मेरी वीडियो देखकर अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं कि एक्सप्लेनेशन अच्छी है या समझ आ रहा है और वीडियोस लेकर आइए, लाइक करते हैं, तो मुझे उससे क्या है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है कि हाँ बच्चों को मेरे द्वारा प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझाया गया पसंद आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ या और इम्प्रूवमेंट करूँ अपने में और किसी अन्य चीज़ का यूज़ करूँ बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं रेनफोर्समेंट के लिए भी काम में आई जाती है, तो बच्चे इस चीज़ में भी ज़्यादा अच्छी लर्निंग करते हैं जब उन्हें अपने द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल एड्स दिखाई जाती हैं या उनकी कमियां बताई जाती हैं, उनकी अच्छाइयां बताई जाती हैं कि यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है ये चीज़। तो उसमें क्या है बच्चे को रेनफोर्समेंट मिलती है, पुनर्वलन मिलता है, ठीक है, आगे मोटिवेट होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनका बहुउद्देश्यीय प्रयोग है, जैसे प्रस्तावना, दृष्टांत और स्पष्टीकरण जैसे कि चित्र वो दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसका बहुमूल्य उद्देश्य क्या है, मतलब VCR या ऑडियो विजुअल एड्स का बेसिकली मतलब क्या है, क्यों हम यूज़ की जाती है, इसके अंदर क्या होती है, प्रस्तावना भी होती है, एक्सप्लेनेशन भी होती है, दृष्टांत यानी कि दृश्य भी आपको दिखाए जाते हैं, और संक्षिप्तता यानी कि एक ब्रीफनेस, कंक्लूजन, और ये सारी चीज़ें भी आपको शॉर्ट में क्या है मिल जाती है, जिससे आपको इतने लंबे लंबे पाठों का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन बुकों को या कुछ उसमें क्या है मर्ज करके आपको छोटी छोटी चीज़ों में कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन और बाकी चित्रों के अकॉर्डिंग और वीडियो ऑडियो के अकॉर्डिंग क्या है आपको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट की जाती है और समझाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह तत्काल पृष्ठ पोषण प्रदान करती है, मतलब तत्काल पृष्ठ पोषण मतलब आपको इमीडिएट रेमेडियल देती है, मतलब अगर आपकी कोई कमी है या कुछ रह गया, अगर मैं अभी आपके सामने ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, देन मेरी जब ये क्लास फिनिश होगी मैं तुरंत इसको कंप्यूटर में डाल के चेक कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि क्या कमी रह गई, अगर कुछ कमी रह भी गई तो मैं उसको डिलीट करके नई वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ सेम टॉपिक पे। तो क्या हुआ, मेरे को इमीडिएट रेमेडियल मिल गया इससे, कोई मेरे को वेट नहीं करना पड़ा एक हफ्ते का, दो हफ्ते का, या एडिटिंग का, या वीडियो यूट्यूब पे आने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पुनरावृत्ति की व्यवस्था भी होती है तथा विषय सामग्री में निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। पुनरावृत्ति जैसे मैंने अभी बताया, और रेनफोर्समेंट जब आपको मिलता है तो आप इसको रिपीटेशन भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है तो आप अपने कंटेंट को रिवाइज भी कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, और विषय सामग्री की निपुणता भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब अगर मेरे को मान लीजिए यही वाला टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझ आया, और मुझे किसी के थ्रू कमेंट मिल रहा है कि उसको नहीं समझ आया, या कुछ तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि आप एक बार वीडियो को देखा है आपने, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तो क्या उसको शायद समझ आ जाए। अगर इन केस फिर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं उसको फ़ोन कॉल पर या अदर रेमिडियल दे के उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है कि आप वीडियोस को बार बार रिप्ले करके वहाँ पे क्या है अपनी क्वेरीज को कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके द्वारा वांछित सामग्री तथा सुगमता पर पहुँचा जा सकता है, क्योंकि इसको तेजी से संचालित करके उस सामग्री को छोड़ा जा सकता है जिसे विद्यार्थी देखना नहीं चाहते। मतलब अगर आपको लग रहा है कि वीडियो के अंदर कोई आप जब YouTube पे भी वीडियोस देखते हैं या मूवी देख रहे हैं तो सॉन्ग आते हैं,
जब आप मूवी फ़ोन में देखते हैं तो सॉन्ग्स आते हैं तो यूट्यूब पे, तो आप क्या करते हैं, सॉन्ग को स्किप कर देते हैं कि ढाई घंटे की मूवी है कौन सॉन्ग वगैरह देखेगा, सॉन्ग का क्या है पोर्शन स्किप कर देते हैं, देन मूवी देखने लगते हैं, फिर सॉन्ग आया फिर उसको स्किप कर दिया, देन मूवी देखने लगते हैं। तो आप वीडियो ऑडियो के अकॉर्डिंग सिर्फ उतनी ही चीज़ें देखते हैं जो आपको अपने काम की लग रही है या जो आपको समय बर्बाद करने में ना लगे, ठीक है। आप एड्स भी स्किप कर देते हैं, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो क्या ऐड आते हैं पहले, आप उसको भी स्किप कर देते हैं, क्यों नहीं देखते पूरे, क्योंकि वो आपको यूज़फुल नहीं लगते अपने लिए। तो यही एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि ऑडियो विजुअल एड्स को क्या करते हैं, वीडियो को आप जितना आपके लिए ज़रूरत है, जितना आपको चाहिए आप उतना रखते हैं और बाकी वहाँ पे डिलीट कर सकते हैं या वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अब इसमें, इसके प्रयोग में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी गति व इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान होती है। अब आपको पता है आप कोई मूवी देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, बीच में आपकी मॉम ने आवाज़ लगा ली तो आप फटाफट मूवी को रोक के भाग जाते हो कि हाँ बताओ क्या हुआ, कि मैं मूवी देख रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर आए वापस फिर आपने प्ले कर दी तो मूवी वहीं से स्टार्ट होगी। ऐसा तो नहीं है ना टीवी की तरह कि आप ऑन द टाइम से मतलब जब कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, आप चले गए तो शिट मैंने तो छक्का मिस कर दिया धोनी का, चौका मिस कर दिया धोनी का, अब इसको दोबारा रिप्ले तो नहीं कर सकता, बैक भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप उसको वीडियोज़ में देखते हो या एक ऑप्शन आया हुआ है कि रिकॉर्ड करके देख सकते हो आप बाद में, तो उसमें क्या करते हो आप बैक जा सकते हो, आगे जा सकते हो, आपको धोनी का छक्का देखना है कुछ भी देखना है तो वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें विद्यार्थी के लिए ये फ्रीडम रहती है कि वो अपनी गति और इच्छा के अनुसार देख सके, अगर उसको 15 मिनट के बाद नींद आ रही है तो वो सो भी सकता है, उठा के वहीं से 15 मिनट से दोबारा उसको स्टार्ट करके देख सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके यूजेस यानी कि एडवांटेजेस और इसकी उपयोगिता क्या है। अब बात करते हैं वीडियो सामग्री की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। अब इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, तो नुकसान पे भी बात कर लेते हैं कि क्यों हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो लिमिटेशंस हैं इसकी, इसका प्रयोग करने के लिए एक कुशल अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है, राइट। अगर आप ट्रेन टीचर नहीं हो या आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपको ऑडियो विजुअल एड्स चलाना नहीं आता है या आपको कंटेंट की जानकारी नहीं है, और कई बार ऐसे होता है कि आपको पढ़ाना कुछ होता है प्ले कुछ हो जाओ और हो जाता है तो बच्चे उससे गलत शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहली बात एक ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ती है कि जो कुशल अध्यापक है उसकी कमी हो सकती है, ये हमारा एक लिमिट है। सेकेंड पॉइंट है अध्यापक को विषय सामग्री से संबंधित सभी उपलब्ध वीडियो सामग्री का ज्ञान होना चाहिए। जो भी आपके पास मटेरियल है ऑडियो विजुअल एड्स में, क्या है वो कंप्यूटर हो टीवी हो वीसीआर, बेसिकली आपने भी देखा होगा कि जो कंप्यूटर है आज के ज़माने में भी सब लोगों को चलाना नहीं आता, किसी को ये भी नहीं पता कि वो ऑन कैसे होगा, उसके सिस्टम्स क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, उस पर हम क्या क्या फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, नेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी मेल कैसे कर सकते हैं, फैक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिसको इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं है वो उसको प्रॉपरली क्या है यूज़ भी नहीं कर सकता है। तो ज्ञान की कमी होना यानी कि लैक ऑफ नॉलेज होना भी एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है उपलब्ध वीडियो सामग्री की संख्या पर्याप्त ना होना, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स इतनी संख्या में अवेलेबल होने चाहिए कि वो सभी कक्षाओं के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या है उपयोगी बन सके। ये नहीं कि चार क्लासेस के लिए एक ऑडियो विजुअल एड दे दिया कि पहले एक टीचर पढ़ा रही है दो घंटे, फिर एक ने पढ़ाया, फिर तीसरे की दोबारा ही नहीं आएगी, लंच हो गया, लंच के बाद तीसरे ने पढ़ा लिया, ठीक है बात ख़त्म, छुट्टी हो गई, तो चौथी क्लास तो ऐसी ही रह गई। तो इसीलिए ऑडियो विजुअल एड की संख्या भी इतनी होनी चाहिए कि सभी क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट हो, टाइम पे मिल सके और उसकी उपयोगिता को जिससे कि बढ़ाया जा सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, प्रत्येक स्कूल में वित्तीय समस्या के कारण भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं ही कराई जा सकती, मतलब अगर जहाँ पे कहीं पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या महंगा पड़ रहा है या कुछ और काम में आपका व्यय ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ उस कंडीशन में भी क्या है आप वहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है हाउ टू यूज़ वीडियो मटेरियल, मतलब वीडियो सामग्री आपका वीसीआर आप कैसे प्रयोग में लाएंगे, ठीक है।
केवल ऐसी वीडियो सामग्री का प्रयोग करें जो कक्षा की आयु स्तर और परिपक्वता के अनुकूल हो। ठीक है, इसमें क्या है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की बात की गई है इस वाले पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। आपने वो इस ए सर्टिफिकेट टाइप मूवीज़ देखी होंगी, या जिन्होंने नहीं भी देखी, मैं ये नहीं कह रही सबने देखी है कुछ, लेकिन उसके बारे में आपको पता होगा कि वो 18 साल से कम बच्चों को क्या है देखने के लिए लागू नहीं की गई हैं। तो थोड़े से उसमें अजीबोगरीब सीन्स होते हैं, तो वो जो बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं या 18 साल से ऊपर के होते हैं उनको वो मूवीज़ देखने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के लिए कोई गलत शिक्षा से रिलेटेड ना हो और उनकी मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग हो। अगर बच्चा छोटा है तो हास्यप्रदक या खेल खिलौने वाली वीडियोस होनी चाहिए, और बच्चा मिडल का है तो थोड़ी सीरियस सी टाइप इस टाइप की होनी चाहिए, मतलब जिसमें थोड़ा समझ भी आए, सीरियस भी हो, कंटेंट भी हो। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप से बच्चे का फोकस वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की मेंटल एज और मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वीडियो। सेकंड पार्ट, यह पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, जो भी आपको कंटेंट पढ़ाना है उसी के रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ और ही आप पढ़ा रहे हो। एक और बात जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, नॉट पर्टिकुलर अ VCR, ये जो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स रखे हैं कि VCR, TV, कंप्यूटर। और ये होता क्या है, ये सभी आपको सबको ही पता है, मैंने बता भी दिया VCR क्या है, TV क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो इसके लिए ये क्या है, हमारे तीनों ऑडियो विजुअल एड्स है ना, तो तीनों के लिए बेसिकली जो मैं अभी तक डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि इसके मैरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे, तो वो तो तीनों के लिए ही होंगे ना। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, ये भी ऑडियो वीडियो है, ये भी ऑडियो वीडियो है, ये भी ऑडियो वीडियो है, तो अगर इसके लिए कोई बेनिफिट है तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, राइट। तो इसीलिए आप ये लेके मत चलिएगा यहाँ पे कि मैं सिर्फ अभी तक VCR पढ़ा रही हूँ, मैं बेसिकली ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ा रही हूँ आपको, जो दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों होते हैं, जो ये हैं हमारे, जो इसके ऑडियो विजुअल एड्स के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, तो कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए बाद में, कहीं आप सोचो मैम ने बस एक पढ़ा दिया बाकी के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, वीडियो सामग्री को उचित समय पर दिखाया जाना चाहिए, जब उसकी ज़रूरत है क्लासरूम के अंदर, तभी क्या है उसका यूज़ करना चाहिए, कि जब भी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं आप, या आपको लग रहा है कि आपके कंटेंट से रिलेटेड ये चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए या टाइम पे पढ़ानी है, कहीं बाद में ऐसा ना हो बच्चा स्किप कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बॉडी पार्ट्स ही पढ़ाने हैं, ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स में आप क्या करोगे, अगर पर जैसे ये बॉडी है आपकी, सॉरी मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं इसीलिए बस मैंने एक आपको एग्जांपल देने के लिए बनाया है कि अगर आप बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहे हैं तो ये तो नहीं ना कि पहले पैरों के बारे में बता देंगे डायरेक्ट, हाथों के बारे में बता देंगे डायरेक्ट, और या फिर कहीं कुछ भी लंग्स वगैरह या यहाँ पे कुछ भी बता देंगे, बाकी चीज़ें नहीं बताएंगे, मतलब तोड़ तोड़ के नहीं बताओगे। क्या है, आप एक कंटिन्यूटी में बताओगे, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग जाए, हमारी एजुकेशन जो हमें बात बताती है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे की ओर ही आओगे, कि सिंपल चीज़ें बताओगे फिर नीचे कॉम्प्लेक्स चीजें बताओगे। ठीक है, तो इसीलिए उचित समय पर जो कंटेंट आपको दिखाया जाना चाहिए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है, अध्यापक को उनके बारे में पहले से भूमिका प्रदान करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी उसे मानसिक स्तर पर मानसिक रूप से तैयार हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ानी हो, कोई भी चीज़ समझानी हो, कोई भी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं ऑडियो विजुअल एड, क्या है आप पाठ भी पढ़ा रहे हो या खेल के लिए भी बच्चों को रेडी कर रहे हो, किसी एक्टिविटी के लिए रेडी कर रहे हो, लैब में ले जाने के लिए रेडी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, पहले बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करोगे, उसके बारे में पहले कुछ थोड़ा सा डिस्कस करोगे, कुछ क्वेश्चनिंग करोगे, कुछ उनकी क्रियोसिटी जागृत करोगे, जिससे कि बच्चे मेंटली रूप से उस नई चीज़ को सीखने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, अध्यापक को वीडियो सामग्री पहले से ही देख लेनी चाहिए जिससे कि कुछ प्रश्न तैयार कर सके। और अब टीचर को पहले से ही क्या है, पहले अपनी प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि ये नहीं कि आपको कैसेट मिल गई, ठीक है आज ये वाला कंटेंट पढ़ा दो क्लास में, प्रिंसिपल ने आपको बोला, आपने जाके उसको डायरेक्ट प्ले कर दिया और बच्चों को पढ़ा दिया। तो आपको पहले उसको खुद भी देखना है कि आपको पहले खुद देखो, उससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चनिंग कर सकते हो, बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव सेट्स कर सकते हो, उससे रिलेटेड और टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हो, बेटर एक्सप्लेनेशन का यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे पॉइंट्स क्या है, आपको पहले से प्री प्लान कर लेने चाहिए, देन क्लासरूम के अंदर वीडियो कैसेट आपको प्ले करनी चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि अगर उसमें कोई कमी है तो वो भी आपको पता चल जाएगी पहले ही, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लासरूम में डायरेक्ट जाके प्ले किया और उसकी वॉइस ख़राब है, खर खर कर रही है या कुछ और साउंड आ रही है या बीच में अटक अटक के चल रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी स्टडीज़ में, एजुकेशन में क्या है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हनन करेंगे, मतलब बीच में एरर्स लेकर आएंगी। तो वो सारी चीज़ों को पहले से ही आप क्या है रिजॉल्व करके रखिए। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसको देखने के पश्चात इस पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है। मतलब आप कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी समझाओ, उसके बाद आप इवैल्यूएशन तो करते ही हो बच्चों का, उससे क्या होता है आपको ये चीज़ पता चलती है कि बच्चों को इससे के द्वारा कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना ज्ञान छूट गया, कितना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पढ़ाने के बाद बच्चों से डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए उस बारे में कि बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या आप बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि वहाँ पे क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ अच्छी है या किस पे ज़्यादा फोकस करना है या कौन सी चीज़ स्किप करनी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप डिस्कशन के माध्यम से, पर जब आपका कंटेंट कम्प्लीट हो जाए, वीडियो कम्प्लीट हो जाए, तो उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका ऑडियो विजुअल एड्स क्या था, तीनों के बारे में डिस्कस हो ही गया है, शॉर्टली हमने बात कर ली है कि उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और उसका यूज़ क्या है। टीवी, आपको पता ही है कि टीवी भी हमारा एक ऑडियो विजुअल एड्स है जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, तो वो भी क्या है, उसकी भी लिमिटेशंस यही होंगी, उसके भी क्या है बेनिफिट्स यही होंगे और उसको भी यूज़ करने का यही तरीका होगा, ठीक है। कंप्यूटर का भी सेम यही है और आपका VCR का भी सेम यही है। तो मैंने आपको डायरेक्ट ऑडियो विजुअल एड यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में भी पढ़ा दिया। नाउ आपकी इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में ये वाले टॉपिक के साथ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्शन मटेरियल का नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे जो आपका शायद लेबोरेटरीज और लैब्स वगैरह हैं, तो वो सारे वन बाय वन करेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कंप्यूटर PGT का साइंस से रिलेटेड जिसको भी स्टडी मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।